नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। क्लेम से हमारी इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती हैं, हमारे इच्छाओं को पूरा करने में क्लेम का क्या योगदान है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न, ऐसी बहुत सारी बातें मुझे लोगों से सुनने को मिलती हैं और मैं इस वीडियो में इसी पर आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। तो पहली बात तो यह है कि क्लेम एक ऐसा मंत्र है जिसका संबंध शक्ति, संतुलन और आकर्षण इन तीन बिंदुओं से है। ये तीन बिंदु ही मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपके जीवन में शक्ति, संतुलन और आकर्षण का ठीक प्रकार से समन्वय नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप क्लेम मंत्र का जाप करके अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को परवान दे सकते हैं, उन्हें पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप क्लेम की ओर ध्यान न देकर सबसे पहला ध्यान आप इस बात पर दीजिए कि आखिर आपकी इच्छा क्या है। जब आप धीरे धीरे अपने आप में, अपने मन में, अपने हृदय में झांकना शुरू करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके मस्तिष्क में एक इच्छा नहीं है, आपके मस्तिष्क में बहुत सारी इच्छाएं हैं और वे सभी विचार, वे सभी इच्छाएं परस्पर विपरीत विचारों से बनी हुई हैं। पहली बात, एक इच्छा होना, एक इच्छा के साथ एक विचार होना, ये बहुत आवश्यक है। जहां कई इच्छाएं हों और उन कई इच्छाओं के साथ फिर अनगिनत विचार भी हों तो वे सभी इच्छाएं और उनसे जुड़े हुए विपरीत विचार एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आप अपने जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच पाते। तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी फिक्स कीजिए, सबसे पहले अपनी प्राथमिकता तय कीजिए कि आखिर आपको किस इच्छा को पूर्ण करना है। उस इच्छा को आप सबसे पहले लीजिए। जैसे आपका कोई काम नहीं चल रहा, आपके व्यवसाय में मंदी है या आप कोई और कार्य करना चाहते हैं, आपके पास धन का अभाव है, काम नहीं चल रहा, रोजगार मंदा है, तो आपको बस इसी इच्छा को अपने अंदर चुन लेना है और निरंतर अपने श्वासों के साथ, श्वासों के आवागमन के साथ बार बार इस बात को दोहराना है कि मेरा व्यवसाय ठीक प्रकार से चल रहा है, मेरा काम ठीक प्रकार से चल रहा है, मेरा काम अच्छा चल रहा है, मेरे पास धन की आमद अच्छी हो गई है। इस विचार को अपने मन में दृढ़ कीजिए। इसके पश्चात जब आप रात्रि में सोने जाएं, यहां सभी कार्यों से मुक्त होने के बाद जब आप सोते हैं उस समय आप अपने बिस्तर पर बैठ करके सोने से ठीक पहले जब आपको बहुत तेज नींद आती हो उस समय आप क्लेम मंत्र का जाप कीजिए। उस इच्छा को अपने मन में रखिए और उस जाप को करते करते, उस इच्छा को सोचते सोचते आप वहीं पर सो जाइए। जब आप सो जाएंगे तो ये क्लेम मंत्र आपके स्वप्न में, आपके निद्रा में भी अनवरत रूप से चलता रहेगा और आपके अवचेतन मस्तिष्क में इस इच्छा को पहुंचा करके उससे पूर्ण करवा देगा। अवचेतन मस्तिष्क की एक विशेष बात यही है कि वो आपके विचारों को, आपके इंस्ट्रक्शंस को ग्रहण करता है। जितना आप रिपीटेडली बार बार बोलेंगे की बात को, उसे वो ग्रहण कर लेगा और उसे घटना रूप में आपके सामने उपस्थित कर देगा। तो क्लेम चूंकि एक ऐसा मंत्र है जो तीनों शक्ति, संतुलन और आकर्षण को बढ़ाता है, आपके अंदर उनको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और वही चीजें आपके कार्य को पूर्ण करती हैं, वही चीजें आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो आप इस प्रकार से अगर करेंगे तो इच्छा आपकी अवश्य पूर्ण होंगी। लेकिन आपके साथ परेशानी यह है कि आप कई इच्छाएं, बहुत सारे विचार एक साथ लेकर के चलते हैं, फिर
बिना दीक्षा लिए, बिना किसी बात के, किसी ने कह दिया, कहीं से सुन लिया, आधा अधूरा देख लिया, बस उसको करना शुरू कर दिया, फिर शिकायतों का सिलसिला शुरू हो जाता है कि हम तो इतने दिनों से क्लेम कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। भाई समस्या इस बात की, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि क्लेम की दीक्षा में हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। आप उसको ग्रहण कीजिए, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए, अपने जीवन में उसे आत्मसात कीजिए, उसे अपनी इच्छाओं के साथ जोड़िए, लेकिन इच्छाओं को प्राथमिकता के आधार पर पहले चुनिए। सारी इच्छाएं एक साथ पूर्ण नहीं हो सकती, आप इस बात का ध्यान रखें। एक इच्छा को प्राथमिकता दीजिए और उसे क्लेम के माध्यम से सोते समय अवचेतन मस्तिष्क तक ले जाइए, निश्चित रूप से वो आपकी इच्छा पूर्ण होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कई बार ऐसा होता है कि हमारी ग्रह दशाएं भी खराब होती हैं, हमारे स्टार्स भी हमारे साथ कुछ गड़बड़ करते हैं, तो वहां कुछ देर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कार्य आपका होगा। विश्वास रखें, मेरे साथ बने रहें, मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें, उस पर कमेंट करें। कमेंट से मुझे एक ऐसा बल मिलता है जिससे मैं आपके लिए और नए नए प्रकार के विचार लेकर के आता हूँ और नए नए वीडियो बनाता हूँ, तो आप इसको अवश्य देखते रहिए। इस वीडियो को आपने इतने ध्यान से देखा, सुना मेरी बातों को इतने ध्यान से, इसके लिए आभारी हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।